अभी तक का कहानी है कि कल मैं अपने घर से निकल के इन गर्मी के मौसम में गाड़ी चला के कुछ प्यारे प्यारे लोगों से बात करते हुए मैं आके पहुंचा पुरी में। फिर कल मैंने जगन्नाथ जी का पूजा किया। कल पहली बार मेरा जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, क्योंकि जब मैं कोविड का टाइम में आया था तब मेरा दर्शन नहीं हुआ था। तो आज यहां से फिर मैं निकल रहा हूं आगे की तरफ। अंकल जी को देख रहे हो ना, ये पानी में ऐसे अंदर अंदर चले जा रहे हैं और ये उनकी मिसेज है। आंटी बार बार गुस्सा कर कि अरे बुढ़ोटा पागल कोड़े दिए छे, अरे दिमाग खराब करके रखा है बुढ़ा। तो आंटी तब से चिल्लाए जा रही और अंकल को बोले जा रहा हूँ अंकल, और भी आंटी को देखो देखो, आंटी बोल रही वहाँ पर गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, देखो पानी कितना तेज है, और अंकल और भी उतना अंदर अंदर चले जा रहे। काश बुढ़ापे में मेरी वाली भी ऐसा ही केयर करे। मैं एक्चुअली आया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। जो मेरा होटल है ना, ठीक ये वाला जो गली है, ये गली के बस थोड़े से लगभग 100 मीटर अंदर की तरफ है और ये है स्वर्ग द्वार बीच। बेसिकली जो स्वर्ग द्वार बीच है ये है, और यहाँ पे ये है गोल्डन बीच, वो थोड़ा दूर में है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, आई थिंक इसको सी बीच बोलता, नॉर्मल सी बीच। और ये है मेरा होटल स्वर्ण धाम। ये रहा था मेरा रूम कल रात के लिए। नॉन एसी है क्योंकि एसी वाले का पड़ रहा था 1500 के नीचे कोई था नहीं, और बहुत लोग एक सिंगल आदमी को रूम देने को तैयार नहीं थे, कुछ अपना पॉलिसी होगा। तो ये मुझे नॉन एसी मिला है 800 का, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे घर में कौन सा एसी है, तो मुझे नॉन एसी में सोने का आदत है। तो अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और पता हूँ एक बात कि मेरा प्लानिंग था कैंपिंग करने यहाँ पे, नहीं कहीं और जाके, बट ये मेरा सबसे बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है, मैं अगर कैंपिंग करता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आने वाला, तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और इवन कल रात जो पूजा भी कॉल करी थी वो भी यही बोल रही थी इस गर्मी में कैंपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑल सेट, सारा सामान ले लिया। लास्ट में एक चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छूट गया तो फिर मिलने वाला है नहीं। चलिए भैया, टेक केयर, एकदम। हाँ, सीएसके फैन है। हाँ, सीएसके फैन अब भी, क्या बात। मैं अभी कोलकाता में सपोर्ट करता थोड़ा, क्यों मालूम है, जो नाम क्या है, अभी नया नया 5 छक्का मारा। ओ, रिंकू सिंह, बहुत गरीब आदमी, इसको उठाने के थोड़ा क्या मतलब, वो गरीब आदमी बोल के सपोर्ट कर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ललिता देवी नमः, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। तो अभी मुझे ये सड़क पकड़ के एकदम सीधे ही निकलना है, तो ये सीधे जाके यहाँ से क्या होगा ना, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मुझे लेना है लेफ्ट, ये सीधे चला जाएगा आपका कटक और भुवनेश्वर की तरफ, लेफ्ट ये चला जाएगा सतपद। तो सतपद में बेसिकली है आपका चिलिका लेक, जो कि यहां से डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, और आपका स्वर्ग द्वार बीच से डिस्टेंस इसका है 55 किलोमीटर। यहाँ देखो तो एकदम खुला जगह स्टार्ट हो चुका है जो चिल्का वाला है ना, और यहाँ पे पानी में भैंस लेटी हुई है। सच में गर्मी ज़्यादा है, गर्मी किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ से जो सतपौड़ा का डिस्टेंस रह गया, बेसिकली इसका नाम है, मतलब उड़िया में एक्चुअली है ये, इसका नाम है सतपौड़ा, बट इंग्लिश में इसे सतपौड़ा मैं पढ़ रहा था, बट ये है सतपौड़ा। यहाँ से भी और है अराउंड 18 या 17 किलोमीटर। अंदर में राजहंस, अच्छा राजहंस। यहाँ पे भाई से बात करके मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं करने को। क्या है जनकुदा, क्या है जनकुदा? जनकुदा माने डंगा पर ही जीवे। अच्छा अच्छा, ब्रह्मपुर गंजा ब्रह्मपुर।
तो वो भाई साहब से बात हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, ये जो बोट देख रहा हूँ ना दूर में जो बोट है वो बड़ा वाला, तो उस पर कार टू व्हीलर दोनों आता है, तो उससे आप बैठ के आप यहाँ से वहाँ जाते हो, बरहमपुर जाते हो। बेसिकली अंदर से सीधा आपको बरहमपुर लेके जाता है। और ये जो नाव है जिस पे देख रहे हो ये बाइक चढ़ाए हुआ है, तो यहाँ से ये पकड़ के जाते हो, वो आइलैंड्स है। तो बेसिकली वहाँ पे गांव है, नॉर्मल जो सिटी होता है जो गांव होता है वो है। तो वहाँ पे एक दो चीज़ है देखने का, जैसे राजहंस है देख सकते हो, जिसको सोन बोलते आई थिंक, हाँ सोन बोलते, वो देख सकते हो। सच बताऊँ यहाँ पे आना मेरा वेस्ट हो गया एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली करने के लिए कुछ नहीं है, बट जो भी है आई होप ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा आपको। चलो निकलते हैं। अब यहाँ से सीधे मैं निकला क्योंकि मुझे जाना था बालासोर, और क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा था, 42 के अबव था, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया जहाँ पे मैंने नारियल पानी पिया, जो कि 3 दिन नारियल पानी था। फिर मैं यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ा, ये जो साइन बोर्ड आता है ना, यहाँ पे मेरे साथ एक पंगा हुआ। मेरा जो गोप्रो है, बेसिकली जो मेरा एक्सजे कैम है, वो टूट के गिर गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, ये कैमरा टूट के गिर गया मेरा। भाग्य अच्छा था कि नजर पड़ा मेरा इस पे, ये देखो पूरा माउंट ही उखड़ गया वाइब्रेशन से। हाँ, इस पे पैर पे गिरा। हाँ, भाई साहब अभी नुकसान होना था मेरा एसजे कैम। पता नहीं मैंने आपको वीडियो में बताया कि नहीं कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं घर वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बागदा सी बीच। इस बीच को लॉकडाउन के दौरान ही बनाया गया था, बनाया गया इन द सेंस कि लॉकडाउन के दौरान ही इसे इसका नाम मिला है बागदा सी बीच का, और ये एकदम परफेक्ट जगह है वीकेंड के छुट्टियों को बिताने के लिए। नेशनल हाईवे मिला, एक नेशनल हाईवे पे एक चीज अच्छा है पता है क्या, कि आप चलते रहोगे तो गर्मी उतना फील नहीं होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कटक जब तक क्रॉस नहीं कर पाते तब तक तेजी से चलाना भी मुश्किल है इस रास्ते पे, क्योंकि ट्रैफिक इधर काफी ज्यादा है। एक छोटा ब्रेक लेना है, मुझे पानी भरना है, मेरे पास पानी है नहीं, मैंने पानी पिया नहीं है, सिर्फ नारियल पानी पिया है। तो रोबोट फिल्म वाला डायलॉग सुने हो ना, दिस इज बियॉन्ड साइंस। सच में ये गर्मी दिस इज बियॉन्ड साइंस है। भैया एक और पानी का बोतल दीजिएगा, एक लीटर वाला। अच्छा वो पीछे वो मंदिर कौन सा है? वो मठ है, मंदिर नहीं, आश्रम। आश्रम किसका, इस्कॉन का? नहीं नहीं, इस्कॉन का चंडीगढ़ भुवनेश्वर में। हाँ, इधर ये हमारा जो बाबा है जमुना बाबा। अच्छा उनका आश्रम। क्या पता कैमरे में कितना आएगा ये एग्जैक्टली, वो जो देख रहे हो एक मंदिर जैसा है वो, मैं उसका बात पूछ रहा था। वो पीछे में वहाँ पर फ्लाई ओवर है ना, फ्लाई ओवर से साफ दिखता है और मैंने कई बार देखा है। और इस मंदिर का जो पूरा स्टाइल है ना, डीटो आपका इसके तरह, मतलब जगन्नाथ मंदिर जैसा ही है, और ये पहाड़ी के नीचे में। तो जितनी बार मैं यहाँ से गया हूँ उतनी बार देखा, तो मेरा हमेशा से मन था कि यहाँ से पहाड़ी से ऐसे उतर के, मतलब इस रास्ते से जाऊँ, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है। मैंने टोटल क्या क्या खाया मेरे को भी याद नहीं है, और केक वेक था, और सन पापड़ी था, और आपका क्या नाम था, टेंड़ा था, और एक लीटर पानी पिया, एक लीटर ले रहा हूँ। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे राइड कर रहे हो ना, वैसे थर्मस ऐसा रखा करो, ये आपका मिल्टन वाला, वो पीछे में लोग जो हाइड्रा बैग रखते हैं वो किसी काम का नहीं है।
क्योंकि क्या होता है पता है, जो आपका बैकपैक में जो पानी रहता है हाइड्रा पैक में, वो पूरा गर्म हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता कैरी करने का। आप गर्म पानी पियोगे, इससे अच्छा ये फ्लास्क कैरी करो, उसमें ठंडा पानी रख के रखो, ये 24 आवर्स ही ठंडा रहता है। और प्लस क्यों आपको चलते चलते या गाड़ी में वैसे पानी पीना है, मतलब कोई रेस तो चल नहीं रहा है जहाँ पे आप अगर 10 से 5 मिनट के लिए आप अगर रुक जाओगे तो आप रेस में हार जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता। एक फ्लास्क कैरी करो। वैसे भी हाइड्रा पैक का ब्लैडर लेके दाम पड़ जाता है लगभग 1500 के करीबन, 1500-1600 रुपये, और एक फ्लास्क आपको 700-800 में मिल जाता है। ये सच्ची रोड बड़ा टॉर्चरस है, और मुझे ना ये लॉजिक समझ में नहीं आता, दो दो तीन तीन स्पीड ब्रेकर बनाने का क्या फायदा, एक ही बनाओ ना यार, आदमी तो रुक ही रहा है। वैसे और कैंप का डिस्टेंस रह गया 28 किलोमीटर। अब 28 किलोमीटर करने में एज पर गूगल लगने वाले 48 मिनट क्या बोलता हूँ। अब ये सामने जो एग्जिट आ रहा है वो एग्जिट लेना है, एग्जिट लेके इसके सड़क के नीचे से निकल जाना है इधर, और टोटल 16 किलोमीटर। ये एग्जिट, इस जगह का नाम है हल्दी पड़ा। हो भाई, एक बात सच बताऊं, अभी तक के मेरा जो विजिट करा हुआ, जितने मैंने कैंप विजिट करे, जितने जो कैंपिंग साइट्स है हर जगह के, इवन आपके जो दार्जिलिंग वाले भी, ये सबसे तगड़ा लगा। उसका रीजन बताया क्या है? ये वेल डेकोरेटेड है, एक लौता अभी तक ऐसा कैंप देगा जिसके पास ये स्टेज है, काइंड ऑफ ना, एक्चुअली स्टेज है, इस पर फोटो खिंचा सकते हो, उधर कैंपिंग एरिया है, इधर कैंपिंग एरिया है, इधर रूम एरिया है। और ये सिर्फ 230 किलोमीटर है हमारे कोलकाता से, और भुवनेश्वर से भी लगभग 200 किलोमीटर, और रांची से भी लगभग 300-400 किलोमीटर होगा। यहाँ मैं दिखा दूंगा, तो काफी क्लोज है। रोमसोर बहुत छोटा था ना, आई नो, और आपने शायद कुछ देखा होगा, ये जो जंगल है ना जंगल के पीछे, हाँ हाँ, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक है, आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा पूरा डिटेल के लिए इस जगह के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर याद से देखना, क्योंकि उसमें आपको इस कैंप के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्या खाना है, कैसे रहना है, कितना खर्च पड़ता है, इवन बीच का इतना खूबसूरत ड्रोन शॉट भी मिलेगा, इससे भी खूबसूरत खूबसूरत, वो भी सुबह से लेके शाम वाला। सो इंतजार मत करो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। तो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्टिव पेरेंट्स रेस्पेक्टिव कंट्री। जय हिंद, बाय बाय।